हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं, रूबिका लियाकत। यूपी के 8 पुलिस वालों के हत्यारे विकास दुबे को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है और मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत उसी बड़े खुलासे के साथ हम कर रहे हैं। विकास दुबे पुलिस वालों की जान लेने के बाद 2 दिनों तक कानपुर में ही मौजूद था। विकास के मुख्य साथी प्रभात ने यह बड़ा खुलासा किया है। प्रभात को पुलिस ने फरीदाबाद से गिरफ्तार किया। प्रभात भी बिखरू के रहने वाला है। पूछताछ के दौरान प्रभात ने यह बताया कि विकास दुबे फरीदाबाद में छिपा था और पुलिस के आने से कुछ घंटे पहले फरार हो गया। प्रभात ने यह मान लिया है कि उसने विकास दुबे के साथ बिखरू गांव में पुलिस वालों पर गोलियां चलाई थी, लेकिन प्रभात ने जो सबसे बड़ा खुलासा किया है वो यही है कि विकास दुबे हत्याकांड के 2 दिन बाद भी कानपुर के शिवली में अपने दोस्त के घर पर मौजूद था। यह खुलासा उत्तर प्रदेश पुलिस के मुंह पर तमाचा है, यकीन मानिए। 8 पुलिस वालों की जान लेने के बाद विकास दुबे कानपुर के ही शिवली में छिपा रहता है और पुलिस को पता तक नहीं पड़ता। वो शिवली से भागकर फरीदाबाद आ जाता है और पुलिस कुछ कर नहीं पाती है। ये वो तमाम बड़े खुलासे हैं जो पुलिस की विफलता को एक के बाद एक एक्सपोज कर रही है। मेरे दो सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे सहयोगी वरुण जैन होंगे आपसे कुछ ही देर में, और पंकज मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी, वो भी फोन लाइन पर मौजूद रहेंगे। वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। वरुण, ये तो शर्मनाक है। मतलब पूरा प्रशासन लग गया, एक एक पुलिस की वर्दी में मौजूद वो जवान लग गया, अधिकारी लग गया। 2 दिन तक ये गैंगस्टर वहीं कानपुर के शिवली में रहा और आपको पता नहीं चला। बिल्कुल रूबिका, 2 दिन तक शिवली इलाके में, उत्तर प्रदेश के अंदर ही पुलिस की नाक के नीचे छुपा रहा। पुलिस चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ करने में लगी रही, इस बात की आशंकाएं जताती रही कि ऐसा ना हो कि नेपाल भाग गया हो, ऐसा ना हो उत्तर प्रदेश से कहीं दूसरे शहर में चला गया हो। लेकिन जो विकास दुबे है वो पुलिस की नाक के नीचे ही बैठा था, और उससे शर्मनाक ये कि 2 दिन तक अपने एक दोस्त के घर में रुकने के बाद वो उत्तर प्रदेश से फरीदाबाद, दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद तक पहुंच गया। यानी कि उसके बाद जब पुलिस चारों तरफ फैली हुई थी, सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी उसको तलाश रहे थे, उनकी नाक के नीचे से होते हुए वो इतनी दूर फरीदाबाद तक भी पहुंच गया और यहां पर भी 2 दिन से अपने एक रिश्तेदार के घर पर ही ठहरा हुआ था। फरीदाबाद में जो घर था रूबिका, वो भी विकास दुबे के भाभी के एक रिश्तेदार का घर था। यानी कि पुलिस जब भी तैयारियां करती है वो सबसे पहले यही देखती है कि छुपने का जरिया क्या हो सकता है। ये रिश्तेदार होंगे, वो रिश्तेदार होंगे, या ये दोस्त हो सकते हैं। तो वो छुपा भी अपने ही एक रिश्तेदार के घर में था, तब भी पुलिस को नहीं पता चला। तो बेहद शर्मनाक, मतलब कितना कॉम्प्लिसन बिहेवियर यहाँ पुलिस का रहा कि आपके 8 जवानों को, पुलिस वालों को शहीद होना पड़ता है, उसके बावजूद 2 दिन तक वो गैंगस्टर आपके आगे पीछे इधर उधर छिपा रहता और आपको पता नहीं चलता है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा भी जुड़ चुके हैं। पंकज, कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना, ये किसकी जिम्मेदारी है? पीठ तो बहुत थपथपा ली साहब कि हमने इसको मार दिया, हमने इसको पकड़ लिया। अरे वो आपकी नाक के नीचे नाच करता रहा और आपको पता तक नहीं चला। देखिए, जिम्मेदारी तो यूपी पुलिस की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसमें मामला थोड़ा सा पेचीदा है, क्योंकि वो मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर रहा। वो अपने 16-17 साथियों के साथ निकला था, लेकिन फिर धीरे धीरे वो छोटी टुकड़ियों में बट गया। और रूबिका, आज जो फरीदाबाद में जो पूछताछ हुई है वो कार्तिकेय और प्रभात से, उससे बहुत ठोस सुराग मिले हैं। वो अब अकेला पड़ गया विकास दुबे, लेकिन दिक्कत ये है उसके पास बहुत सारे वेपन्स हैं, उसके पास कार्ट्रिजेज हैं, और वो इतना उसके सर पे खून सवार है कि अगर मान लीजिए कभी पुलिस या एसटीएफ से उसका एनकाउंटर होता है, तो वो अगर पब्लिक प्लेस पे अगर होता है तो बहुत सारी जाने जा सकती है, इस बात का अंदेशा है। वो एटीएम यूज नहीं कर रहा है, वो अकेला है। पहले ये खबर आ रही थी रूबिका, आपने भी सुना होगा। तो पंकज, हम ये मान लें कि पुलिस जो है वो इतनी विफल है और वो इसके सामने इतनी बौनी है कि ये एक इकलौता आदमी पूरी 10 राज्यों की पुलिस पर भारी पड़ जाएगी, या उत्तर प्रदेश पुलिस पर भारी पड़ जाएगी, इतना असला लेकर घूम रहा है ये। नहीं, देखिए उसको इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत बड़ी चुनौती यूपी पुलिस के लिए। और शिवली में 2 दिन कानपुर में ही रहा, अफरा तफरी, आपको याद होगा नेक्स्ट डे एनकाउंटर भी हुआ था, उसके 2 साथी भी मारे गए थे। लेकिन पुलिस की लैक ऑफ कम्युनिकेशन, अलग अलग एजेंसी और अलग अलग यूनिट्स के बीच में ऐसा रहा ना कि शुरुआती अफरा तफरी में उसको मौका मिल गया निकलने का। और अभी देखिए, जब वहां पहुंच रही थी पुलिस और उससे पहले उसको भनक मिल गई और वो वहां से निकल लिया, यानी वो अभी पुलिस से एक कदम आगे है।
एक नहीं पंकज, यहाँ तो ये माना जाना चाहिए कि 10 कदम आगे हैं। परिवार वालों के घर पर रुका और कितना कॉन्फिडेंटली रुका ये जानते हुए कि कोई उसको हाथ नहीं लगाएगा, 2 दिन शिवली में रहता है। अब ऐसे में पंकज, आप बहुत अरसे से यहाँ की पॉलिटिक्स को, यहाँ के प्रशासन को जानते परखते और देखते आए हैं, मुझे ये बताइए कि कोई पुलिस अधिकारी ऐसा है जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? कोई ऐसा है जो कहेगा मैं अपना काम ईमानदारी से नहीं कर पाया, ये लीजिए मेरा इस्तीफा? नहीं, इस तरह के मौके आते हैं रुका, तो हमने देखा जब सप्तपाने की बारी आती है तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जब असफलता होती है ना तो कोई उसका साझेदार नहीं बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए, लेकिन कम शब्दों में आपने बहुत सारी बातें यहां पर कह दी। देखिए, फिल्मों में आपने अक्सर ऐसे सीन देखे होंगे जब किसी अपराधी के भागने के बाद पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए उस जगह पर पहुंचती है। ये फिल्मी कहानी अब हकीकत बन गई है। विकास दुबे कल फरीदाबाद में देखा गया, लेकिन वो जहां जहां पहुंचा पुलिस वहां उसके भागने के बाद पहुंची। विकास आगे आगे भाग रहा था, पुलिस उसके पीछे पीछे चलती रही और इस तरह से विकास एक बार फिर फरार हो गया। ये कहानी सिर्फ फरीदाबाद पुलिस की नहीं है, यूपी पुलिस का हाल तो यह है कि वो 6 दिन से हाई अलर्ट पर है, हाई अलर्ट पर। इसके बावजूद विकास 2 दिनों तक कानपुर में ही छिपा रहा और यूपी के तमाम शहरों से होता हुआ हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचा। यूपी और फरीदाबाद पुलिस की इसी नाकामी पर मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी आपके लिए है। बीकानेर दुकान के बाहर जो ये सीसीटीवी कैमरा आपको लगा हुआ दिख रहा है, इसमें कैद हुआ है विकास दुबे। कल दोपहर में करीब 3:14 पर वो यहाँ पर पहुंचा। ये विकास दुबे है, यहाँ साइड में खड़ा था, ऑटो को हाथ दिया, ऑटो में बैठा और यहाँ से चला गया। अकेला था, 5 मिनट तक यहाँ खड़ा रहा, दो हाथ में बैग थे। पुलिस गश्त करती रही और यहां पर विकास दुबे 5 मिनट तक खड़ा रहा। तो 10 राज्यों की पुलिस जिसकी तलाश कर रही है, सिर्फ 5 दिनों में जिसको पकड़वाने का इनाम 50,000 से बढ़कर 5 लाख हो गया, वो विकास दुबे कहां है? आप खुद देखिए, काले रंग की टी शर्ट पहने, हाथ में बैग लिए, सड़क के किनारे अकेला खड़ा ये वही विकास दुबे है जो कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या करके फरार है। ये हरियाणा के फरीदाबाद की एक सड़क है जिस दुकान के सीसीटीवी में ये तस्वीर कैद हुई। उसके मुताबिक 7 जुलाई यानी कल दोपहर 3:13 पर विकास दुबे यहां नजर आए। करीब 4 कदम चलकर वो दुकान के ठीक सामने आकर खड़ा होता है। कुछ देर तक वो चुपचाप खड़ा रहा, फिर वो 2 कदम दुकान की तरफ बढ़ा। उसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है, वो कुछ इस अंदाज में खड़ा था जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। कुछ देर खड़े रहने के बाद फिर वो दुकान की तरफ घूमता है, ऐसा लगता है जैसे उसकी नजर दुकान के सीसीटीवी पर पड़ती है, क्योंकि इसके तुरंत बाद वो वापस खंबे के पीछे चला जाता है। 5 मिनट तक यहाँ पर टहलने के बाद दुकान के तरफ थोड़ा सा बड़ा था, शायद वो पानी पीने के लिए आगे आया या फिर कुछ कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सीसीटीवी पे कैमरे पर गई उधर दुकान की तरफ बढ़ते ही, तो वो वापस पहले इधर आगे की तरफ आता है और उसके बाद वो वापस कैमरे की जद से बाहर अपने आप को करने के लिए बाहर चला जाता है। बेहद चलाक है, चारों तरफ उसकी आंखें घूम रही है, कहां पुलिस खड़ी है, कहां सीसीटीवी कैमरा है, अकेला है, हजारों की संख्या में पुलिस वाले हैं, घूम रहे हैं, लेकिन वो उनको नोटिस नहीं कर पा रहे और उसकी नजर चारों तरफ। करीब 5 मिनट तक विकास कैमरे की नजर से गायब रहता है, फिर 3:19 पर 2 ऑटो आते दिखते हैं और इसके साथ ही विकास एक बार फिर दिखता है। ये देखिए, ये जो शख्स है, ये विकास दुबे है, यहाँ साइड में खड़ा था, ऑटो को हाथ दिया, ऑटो में बैठा और यहाँ से चला गया। कहीं ना कहीं इस बात की भी गुंजाइश है कि सामने से पहले से ही स्क्रिप्टेड वे में जो उसका साथी था वो यहाँ पर आया है, क्योंकि अभी तक पुलिस उस ऑटो वाले को भी नहीं पकड़ पाई है जिसमें ये ऑटो में बैठा था। ऑटो जबकि यहाँ पर लोकल चलते हैं, यानी कि अगर पुलिस उस ऑटो वाले को ढूंढना चाहे तो तुरंत ढूंढ सकती है, पुलिस अभी तक उस ऑटो वाले का पता नहीं लगा पाई है। आगे बाईपास जाता है, बाईपास से जो रास्ता है वो चाहे तो वो आगरा की तरफ भी जा सकता है,
दिल्ली की तरफ जा सकता है, गुड़गांव की तरफ जा सकता है। इसी बात की आशंका थी कि हो सकता है वो दिल्ली या गुड़गांव निकल गया हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे यहाँ पे दुकानदारों ने भी बताया, लगातार सुबह से यहाँ पे कम से कम 10 पुलिस की जिप्सियां गश्त कर रही थी, क्योंकि पुलिस के पास पहले से ही जानकारी थी, एक पूरा खाका तैयार किया हुआ था। पुलिस गश्त करती रही और यहाँ पर विकास दुबे 5 मिनट तक खड़ा रहा। पुलिस की नाकामी की इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली कहानी इस दुकान पर काम करने वाले उस कर्मचारी ने बताई, जिसके मुताबिक विकास दुबे के यहाँ से जाने के करीब 1 घंटे बाद पुलिस वाले यहाँ पहुँचे और उन्होंने CCTV में विकास दुबे को देखा तो कहा कि इसे तो हमने बाईपास पर देखा है। पुलिस के बंदे आए ना बाद में, एक गाड़ी बाद में आई थी, उसने पहचाना कि ये बंदा तो गाड़ी में गया है और चश्मे लगा रहा है। ये चश्मे लगाने की वजह से उन्होंने उसके ऊपर हाथ नहीं डाला, यानी कि कहीं ना कहीं पुलिस ने उसको देखा, रोका और वो उनकी आंखों के सामने से निकल गया। हाँ जी, अकेला बैठा था गाड़ी में, अपना बैग ले रहा था, तो उन्होंने यही बताया पुलिस वाले ने खुद आने के बाद कि ये बंदा था अभी ऑटो में गया है, करीब आधा घंटा पहले मेरे को बॉर्डर पे मिला है। बेहद हैरान करने वाली बात यह है, पहले विकास दुबे करीब 5 मिनट तक दुकान के सामने खड़ा रहा, पुलिस को कोई खबर नहीं लगी। जब वो यहाँ से भाग गया तो पुलिस वालों ने उसे देखा भी लेकिन पहचाना ही नहीं, और इसके बाद से विकास दुबे अब तक नजर नहीं आए। विकास दुबे के फरीदाबाद में होने की खबर सबसे पहले तब सामने आई जब इस सासाराम गेस्ट हाउस के रिसेप्शन पर खड़ी उसकी ये तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर कल दोपहर करीब 12:30 बजे की है, यानी बीकानेर दुकान के सामने से फरार होने के करीब 3 घंटे पहले विकास दुबे फरीदाबाद के गेस्ट हाउस में पहुंचा था। इन दोनों जगहों के बीच बमुश्किल 3 किलोमीटर का फासला है, जिसका मतलब ये हुआ कि करीब 3 घंटे तक विकास सिर्फ 3 किलोमीटर के दायरे में घूमता रहा, पर पुलिस उसके आसपास भी नहीं फटक पाई। इस गेस्ट हाउस की कहानी और दिलचस्प है, क्योंकि विकास दुबे ने यहां भी पुलिस को चकमा दिया। 12:30 से 1 के बीच में आए थे, इन्होंने रूम की पूछी, रूम मिल जाएगा, मैंने सर मिल जाएगा, आईडी कार्ड हुई, इन्होंने मुझे पैन कार्ड दिया, पैन कार्ड में ना तो इनका कोई एड्रेस था ना होता उसमें, और क्या कहते हैं फोटो ब्लर आ रही थी कि जिससे लगे कि हाँ ये भाई ये आदमी इसी का आई कार्ड है, पैन कार्ड है, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने उनसे कहा आप दूसरी आईडी दे दो कोई मेरे को, उन्होंने मुझे आईडी नहीं दी और वो चुपचाप नीचे उतरे। गेस्ट हाउस के मैनेजर के मुताबिक विकास दुबे जैसे दिखने वाले शख्स ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और उसके साथी ने भी कपड़े से अपना चेहरा ढका हुआ था। दोनों पैदल ही आए थे और 5 मिनट की बातचीत के बाद पैदल ही वापस लौट गए, लेकिन पुलिस की नींद टूटी करीब 3 घंटे बाद जब वो गेस्ट हाउस की तलाशी के लिए पहुंची, लेकिन विकास तब तक भाग चुका था। विकास दुबे के फरीदाबाद आने की असली वजह थी हरिनगर के न्यू इंदिरा कॉम्प्लेक्स में बना ये घर। इसी घर के अंदर विकास दुबे जो है वो अपने साथी प्रभात के साथ छुपा हुआ था, जो इस घर के मालिक है अंकुर, जो कि सन ऑफ श्रवण है, उन्होंने यहाँ पर इनको पनाह दी हुई थी, जो कि प्रभात के ही दूर के रिश्तेदार थे। विकास दुबे यहाँ से भागने में कामयाब हो गया, लेकिन पुलिस के सूत्र ये साफ कहते हैं कि जब वो यहाँ से भागा उसके आसपास किसी तरह की कोई गाड़ी नहीं थी, पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ किया गया था, 8 से ज्यादा जो पुलिस की जीप है वो भरकर यहाँ पर आई थी। पुलिस को खुफिया सूत्रों से विकास दुबे और उसके एक साथी प्रभात के यहाँ छिपे होने की खबर मिली थी। माना जा रहा है कि वो करीब 2 दिनों तक यहाँ रहा, लेकिन जैसे ही पुलिस दबिश के लिए यहाँ पहुंची उससे पहले विकास फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने विकास के साथी प्रभात, घर में रहने वाले अंकुर और श्रवण को गिरफ्तार किया, उनके पास से 4 पिस्तौल और 50 कारतूस भी बरामद हुए। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ फरीदाबाद में ही विकास दुबे ने 3 बार पुलिस को चकमा दिया। जिस घर में वो छिपा रहा वहाँ पुलिस के पहुँचने से पहले भाग निकला, जिस गेस्ट हाउस में कमरा लेने गया वहाँ भी पुलिस उसके निकलने के बाद पहुँची, और जिस दुकान के सामने वो 5 मिनट तक खड़ा रहा वहाँ भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। सभी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थानीय पुलिस और सभी यूनिट्स तथा प्रत्येक राज्य के पुलिस के साथ प्रॉपर समन्वय और सीमलेस इंफॉर्मेशन का शेयरिंग होता है, और जहाँ कहीं भी आवश्यकता होती है तत्कालिक रूप से समन्वय बना के कार्रवाई की जाती है। यूपी पुलिस दूसरे राज्यों से कोऑर्डिनेशन की बात कर रही है, पर असल सवाल तो यूपी पुलिस पर ही है जिसकी नाक के नीचे से विकास दुबे भाग गया। वरना ये कैसे हुआ कि कानपुर से फरीदाबाद पहुंच गया और रास्ते में कहीं नहीं पकड़ा गया? कानपुर से फरीदाबाद तक पहुंचने के 2 संभावित रास्ते हैं। एक रास्ता औरैया, इटावा
आगरा और कोशी होते हुए फरीदाबाद आता है। करीब 460 किलोमीटर के इस रूट से फरीदाबाद पहुंचने में 6 से साढ़े 6 घंटे लगते हैं और इस रूट पर 6 टोल प्लाजा है। दूसरा रास्ता औरैया इटावा के बाद जसवंत नगर होते हुए लखनऊ एक्सप्रेसवे से अलीगढ़ टप्पल से फरीदाबाद तक जाता है। ये 480 किलोमीटर की दूरी है जिसे तय करने में करीब 7 घंटे लगते हैं। इस रूट पर भी 5 टोल प्लाजा है। इसका मतलब ये हुआ कि कानपुर से फरीदाबाद के बीच विकास दुबे करीब आधा दर्जन टोल प्लाजा से गुजरा होगा, पर किसी जगह पर उसे रोका नहीं गया और न ही पहचाना गया। ये हाल तब है जब यूपी पुलिस की 40 टीमें मतलब लगभग 200 जवान सिर्फ विकास की तलाश में घूम रहे हैं। हर टोल नाके पर उसकी तस्वीर और पोस्टर लगाए जा रहे हैं। तो क्या उन पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो इन टोल नाकों पर तैनात थे? क्या उन शहरों के पुलिस कप्तानों से सवाल नहीं किया जाना चाहिए जिनकी सीमाओं को लांघता हुआ विकास फरीदाबाद तक पहुंच गया? देखिए, विकास दुबे ने भले ही पिछले 6 दिनों से यूपी पुलिस का मजाक बनाकर रखा हो, यूपी पुलिस पर सवाल उठाने वाली परिस्थितियां पैदा की हो, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी को लगता है कि उनकी पुलिस बढ़िया काम कर रही है। आज लखनऊ में पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मुद्दा कानपुर में पुलिस कर्मियों का नरसंहार और विकास दुबे की अभी तक फरारी ही था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी घटना पर मीडिया को जानकारी देने के लिए एडीजी प्रशांत कुमार लिखा हुआ बयान पढ़ते रहे। सवाल पूछे गए तो संतोषजनक जवाब दे ही नहीं पाए। और तो और, विकास दुबे पर बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पिछले 1 साल में यूपी में कथित तौर पर कम कैसे हुए हैं अपराध के आंकड़े वही पढ़ते रहे। बेटा भाई यार सही हो गया, अब क्या करें, बात कोई सहारा नहीं। कुल मिला के जो शासन की अपेक्षाएं हैं पुलिस विभाग से, उसमें पुलिस ने अपना कार्य बहुत ही निष्ठा, ईमानदारी और बढ़ चढ़ के किया है। अभी तो शहीदों की चिताओं की राख ठंडी भी नहीं हुई है, अभी तो शहीदों के घर वालों के आंसू भी नहीं सूखे हैं। मुठभेड़ में घायल पुलिस वाले अस्पताल में ही भर्ती हैं। अभी तो विकास दुबे अंजाम तक भी नहीं पहुंचा है, पुलिस को चकमा देकर फरार होता जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी को लगता है कि सब कुछ बहुत सही चल रहा है। उसने अपना कार्य बहुत ही निष्ठा, ईमानदारी और बढ़ चढ़ के किया है। पुलिस की ईमानदारी और निष्ठा के कसीदे पढ़ने वाले एडीजी साहब ने ही चौबेपुर थाने के सभी पुलिस वालों को हटाया है, क्योंकि उनकी ईमानदारी और निष्ठा पर ही सवाल थे। थानेदार विनय तिवारी गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि वो पुलिस का नहीं विकास दुबे का हुक्म बजाता था। उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी प्रशांत कुमार आज दोपहर को ठीक 12:40 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। जो विकास दुबे पिछले 6 दिनों से यूपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उम्मीद थी कि एडीजी साहब कुछ नई जानकारियां देश को देंगे। ये भी उम्मीद थी कि एडीजी साहब अपने महकमे के उन विभीषणों के बारे में भी बताएंगे जो विकास दुबे की मदद कर रहे थे। उम्मीद तो ये भी थी कि ईमानदारी से अपने महकमे की असफलता भी स्वीकारेंगे, लेकिन वो तो सब कुछ जांच और विवेचना की चाशनी में घोलकर केस की जलेबी बनाते रहे। आते ही कागज टटोले और फिर उन्हीं कागजों से लिखा हुआ बयान पढ़ना शुरू कर दिया। 2 और 3 जुलाई की मध्य रात्रि में थाना चौबेपुर। एडीजी साहब ने बिल्कुल शुरू से शुरू किया, यानी जिस दिन घटना हुई, लेकिन शुरुआत में ही लटपटा गए। शहीद पुलिसकर्मियों की संख्या में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। हमारे पुलिस के 6 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उस घटना में, 8 जो हमारे
अधिकारी और कर्मचारी थे उनको कर्तव्य की बलवेदी पे आहुति देनी पड़ी। फिर एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते गए। हमीरपुर में मारे गए अमर दुबे के बारे में जानकारी दी, जिसकी पहचान अमर दुबे पुत्र संजीव दुबे गांव निवासी बिकरू। कानपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कुछ और आरोपियों की जानकारी दी। इसी बीच किसी उत्साहित पत्रकार ने फरीदाबाद की जानकारी चाही कि ये कैसे संभव हो गया कि पुलिस के भारी बंदोबस्त के बीच विकास दुबे बच गया, लेकिन एडीजी साहब ने पत्रकार महोदय को चुप करा दिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब चीजें खत्म हो जाएं फिर उसके बाद से आगे आप उसमें प्रश्न। पत्रकार भी वेट करने लगे, सोचा फरीदाबाद से जुड़ी हुई कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी दी जाएगी, लेकिन एडीजी साहब फरीदाबाद की घटना को हल्के में छूते हुए गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर पहुंच गए। बीती रात गौतम बुद्ध नगर में एक्सप्रेसवे थाने तथा दूसरा थाने में भी क्रैकडाउन हुआ है, जहां इनामी बदमाश घायल और गिरफ्तार किए गए हैं, और बुलंदशहर में भी सियाना थाने के अंतर्गत इनामी बदमाश घायल और गिरफ्तार हुए हैं। एडीजी साहब ग्रेटर नोएडा की जिस घटना की बात कर रहे हैं वो ये है, पुलिस का दावा है कि ये एक इनामी बदमाश है। हम साफ कर दें कि इसका विकास दुबे कानपुर या बिकरू की घटना से कोई लेने देना नहीं है। तो फिर एडीजी साहब ने विकास दुबे पर बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र क्यों किया ये हमें भी नहीं पता। बीच में एडीजी साहब को फिर ध्यान आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो विकास दुबे पर बुलाई गई है, तो बड़े सामान्य तौर पर एक दावा और कर दिया। हम लोग अपने साथियों की शहादत को वेस्ट नहीं जाने देंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो विधिक होगी और ऐसी होगी जिसको जिन्होंने इस तरह की हिम्मत की है उनको हमेशा पछतावा होगा, नजीर बनेगा। ऐसे कैसे नजीर बन जाएगा? विकास दुबे को तो आपकी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही, पुलिस का मोराल पहले से ही डाउन चल रहा है। कम से कम एडीजी साहब आप अपनी बातों में तो कुछ जोश ला सकते थे। बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस और आगे बढ़ी तो लगा कि कुछ और जानकारियां दी जाएंगी, लेकिन एडीजी साहब ने तो लूट डकैती और हत्या के मामलों की तुलना करनी शुरू कर दी। आंकड़ों के साथ सबूत देने लगे कि पुलिस बेहतर काम कर रही है, इसीलिए यूपी में क्राइम कम है। इस वर्ष डकैती के केसेस में 37.74% की कमी आई है, लूट के केसेस में 44.17% की कमी आई है। गजब, पूरा देश टीवी पर एडीजी साहब को देख और सुन रहा था इस उम्मीद में कि वो कोई नया खुलासा करेंगे, लेकिन एडीजी साहब तो अपने कागजों में और भी आंकड़े लिख कर लाए थे। फिर अतिरिक्त अपहरण के केसेस में 41% की कमी आई है, दहेज हत्या के केसेस में 6.34% की कमी आई है। ये समझ में नहीं आता कि इन बातों का मौजूदा केस से क्या लेना देना। इसके बाद पत्रकारों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए, लेकिन दो लाइन के सवाल में एडीजी साहब का एक लाइन का जवाब होता था, उसमें भी कोई जानकारी नहीं। अगर कोई ऐसी बात होगी तो तब समय आपको अवगत कराया जाएगा। अगर आप उस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर होगी तो उसके बारे में बताया जाएगा। ये चीजें विवेचना का विषय है, जो मैंने आपको बताना था इस पर्टिकुलर केस के बारे में बता दिया। इसके बाद सवाल ज्यादा होने लगे तो एडीजी साहब अपनी सीट से उठे, कुछ देर खड़े रहे और चले गए। पत्रकार जाते जाते सवाल पूछते रहे, लेकिन एडीजी साहब कुछ नहीं बोले।